हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को लेकर के और आपको एक कमाल का चीज दिखाऊंगा मैं। क्या है ये, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर ये डेटा देख रहे हैं आप और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म। ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है तो बस इस फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। शायद आपको ये ना दिखाई दे रहा हो, कैसे दिखाई देगा बताऊंगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक वन करके इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सबके नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इसे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट का रिकॉर्ड जो है श्याम का है, फिर फाइंड नेक्स्ट करिए फिर राजू का है, फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिए फिर गौरव का है। इसी तरीके से आप फाइंड करते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही होगी। और ये कमाल की चीज बनेगी कैसे, इसको बनाना आसान है, थोड़ा सा इसमें और भी देख लेते हैं और क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा वो। अगर नया एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और नाम डाल दिया, ये मोनिका डाल दिया, यहाँ पर मार्क्स ऐड करूंगा। ये देखिए ये मार्क्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्क्स ऐड किया हमने, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए इतना मैंने कर लिया और इतना करने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज कर दिया जाए तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम दोबारा से इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लास्ट रिकॉर्ड था वहां पे चलते हैं फाइंड करते हुए, ठीक है। तो ये लास्ट रिकॉर्ड है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्शन में ये पूरा होना चाहिए तभी ये आएगा। तो ये पूरा सिलेक्शन में लेकर के फिर हम चलते हैं यहाँ फॉर्म पे। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ तो ये अब वो वाला रिकॉर्ड भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ये दिखाई पड़ रहा है और टोटल मार्क्स भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये हुआ कैसे, आया कैसे, ये चीज हमको समझना है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में आपको यही बताता हूँ मैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म अगर आप बनाना चाहें डेटा एंट्री फॉर्म तो कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। बस फॉलो करते रहिए वीडियो को। देखिए फाइल पे चले जाइए, अगर आपके में फाइल नहीं है, ऑफिस बटन ऊपर दिख रहा है तो आप ऑफिस बटन पे भी जा सकते हैं। यहाँ से फाइल पे जाने के बाद यहाँ आपको नीचे मिलेगा मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल ऑप्शन वाली विंडो हो जाती है ऊपर, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा, यहाँ पर करना क्या है आपको, कस्टमाइज रिबन पे चले जाना है। ये कस्टमाइज रिबन जो दिया हुआ है यहाँ पर आ जाइए आप और फिर थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करते चले जाइए। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें कुछ चीजें दिखाई देंगी, लाइक मैंने सबसे पहले तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ऑल कमांड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही ऑल कमांड सेलेक्ट करेंगे तब नीचे आइए, ये नीचे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से नीचे आते चले जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉर्म। बस इस फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से न्यू ग्रुप क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। ये न्यू ग्रुप पे आप चले जाएंगे और यहाँ से न्यू ग्रुप आ भी जाएगा, ऊपर आ गया है न्यू कस्टम करके। आप इसको चाहे तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, तो रीनेम करके यहाँ पर कुछ लगाना चाहें तो स्टाइल में देखिए सब आया हुआ है, इस तरीके से सिंबल दिया गया है। तो अगर नया ग्रुप पे कुछ लगाना चाहते हैं तो चलिए हम ये येलो वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने और इसको ऐड भी करवा दीजिएगा, ये जो फॉर्म है ना इसको इसी में ऐड करवा दीजिएगा। तो बस ऐड करवा दिया, हो गया काम। यहाँ से फॉर्म को भी चाहे तो रीनेम कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ओके करता हूँ, हो गया काम। अब दूसरा फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है दोनों दिखाई दे रहा है ना, तो बस इस वाले पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो था वो डेटा वो दिखेगा, कब दिखेगा ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ध्यान देने के लिए क्राइटेरिया है, जब आप इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे तभी ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरा सिलेक्टेड है ना। फिर यहाँ से न्यू पे क्लिक करिए, नया रिकॉर्ड हमें एंटर करवाना है। तो यहाँ पे एक और नाम मैं लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिखा मैंने MALOJ मनोज, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स, फिर यहाँ सेकेंड मार्क्स, फिर यहाँ थर्ड मार्क्स, फिर यहाँ अगले सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर करते चले जाएंगे। यहाँ पर आए लेकिन टोटल तो हो ही नहीं रहा है, टोटल कब होगा। आप पहले इसको क्लोज कर दीजिए, इतना एंटर करवा दिया, बस आप इसको क्लोज करना है आपको, ठीक है। तो ये क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया, नीचे आपको ये मनोज वाला भी दिखाई देने लगा। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा और अब फॉर्म में दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सारे ही रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये देखिए लास्ट में मनोज था जो कि नजर नहीं आ रहा था, अब वो भी नजर आएगा,
तो इस तरह का एक डेटा एंट्री फॉर्म अगर आपको बनाना हो तो आसानी के साथ बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर